नमस्ते दोस्तों, धमक्कड़ चालदा चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आपसे अनुरोध करता हूं कि इस वीडियो को अंत तक देखें। पिछली 3 वीडियो में मैंने आपको दून घाटी में बहने वाली सोंग नदी के विभिन्न हिस्सों को दिखाया। आज हम जा रहे हैं इसी नदी के उद्गम स्थल पर। इस यात्रा में मेरे साथ हैं कालदेन, इंद्रेश नोटियाल और भागचंद रमोला जी। हम चल रहे हैं सकलाना की इस हरी भरी सुंदर घाटी में। पूरी घाटी है मंजगांव वाली सोंग की घाटी, जिसके अंदर ये आलू, गोभी, फ्रेंच बीन, इन सब की खेती हो रही है। तो ये जितनी भी खेती यहाँ की उर्वरा भूमि है, उर्वरा घाटी है, और इसमें सोंग नदी के पानी का बड़ा एक अपना योगदान है कि उसके पानी से ही और इसकी मिट्टी की उर्वरा से ही और इस जंगल से यहाँ की जो उर्वरा मिट्टी है वो यहाँ के किसानों को, यहाँ के रहवासियों को, यहाँ के रहने वालों को एक आय इसका स्रोत देती है। आइए देखते हैं कैसी ये घाटी है, चलिए आइए। ये देखिए घरों के आगे गोभी के लहलाते खेत, जो यहाँ की इकोनॉमी को बढ़ाने में सहायक होते हैं। ये लोगों ने यहाँ देखो काला पाइप लगा रखा है, काला हरा पाइप, जिससे ये अपने खेतों की सिंचाई करते हैं इस सोंग के नदी के पानी की। और देखो यार कितना मज़ेदार है ये जो छोटा सा बाथरूम है किसी ज़माने का, लेकिन अभी इस पर इतना बेल बूटा उगाया कि ये ऐसा लग रहा है कि बॉटनिकल हट जैसे होता है ना, किसी ने बनाया हो। और देखिए इसमें ये फल भी लगे हैं इसके अंदर। ये देखिए यहाँ ट्राउट फिश फार्मिंग भी हो रही है, जो कंडारी जी कर रहे हैं। इनके बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसको जरूर देखिएगा। ये मैंने कुछ भी पकड़ लिया मेरा। अब यहाँ से कंडारी जी भी हमारे साथ आगे के लिए चलेंगे। और ये हम जा रहे हैं सोंग के उद्गम स्थल पर, जो यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर और है। भी 3-4 किलोमीटर करीब हम चल चुके हैं। 4 किलोमीटर के लगभग। और ये पुल है इसका, पक्की रोड यहीं तक है। ये नदी जो है, ये सोंग की नदी जो है उसकी ट्रिब्यूटरी है। यहाँ गदेरा गार्ड इसको बोलते हैं। ये देखिए ये तोड़ रहा है कालबेल हिसर, काली हिसर, मज़े ले रहा है खाने के, काली हिसर खाने के मज़े। और ये देखिए इसका ये है हिसर। ये फिर दूसरा चीज गांव हाईलाइट हुआ, 10 लोग आएंगे या चारों तरफ कंडाली हैं, बज बज के चलना पड़ रहा है। बिच्छू घास और हम चल रहे हैं सोंग नदी के उद्गम स्थल की ओर। कितना सुंदर है ये जो तोड़ा है कालदेन ने, ये कंडाली बिच्छू घास उसका ये फ्रूट है। देखिए ये काट रहे हैं फ्रूट को और अब इसको खाएंगे। बड़ा ही स्वादिष्ट फल है, मैं तो पहली बार आज खाया, कालदेन की वजह से मुझे खाने को मिला, तो अब कालदेन खिलाएंगे सबको। ये देखिए अब कालदेन ने ये कंडाली का फ्रूट जो है ये सबको खाने को दिया। और खाइए सर, कैसा बताओ, कैसा लग रहा है स्वाद बताओ। बहुत सुंदर लग रहा है। तो बेसिकली मैं पता नहीं था, मुझे बहुत ज्यादा होता है। आज पहली बार खा रहे हैं तो स्वाद बहुत लग रहा है। तो थैंक्स टू कालदेन, वी आर वेरी थैंकफुल टू यू। नया चीज बताने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। हम बहुत सारे बहुत नया चीज आपसे सीख रहे हैं और जो हम हमें है ना थोड़ा बहुत जानकारी वो आपको बताए, कितना अच्छी बात है। यही तो आदान प्रदान, ये भी दिया इन्होंने खाने के लिए। ये गिरे। ये देखो भाई, आज जो है चूलू खाने की दावत है, चूलू की। वाह ये देखिए चूलू खाया, वाह। Need, fulfill need, but not greed. Fulfill the greed.
जंगल मतलब। हाँ जी, ये हम काला वन तेगना पहुंच गए, चूलू का पेड़ लगा है। ये बहन जी ले आई है सबके लिए चूलू। ये देखिए साहब, ये देखा, अब यहाँ है चूलू की दावत, सब चूलू की दावत हो रही है। ये सुशीला जी हैं, बहन जी जो हैं, और ये इनके बच्चे नाती पोते सब होंगे ये, है ना। और ये देखो, हम आए, हमको देखा इन्होंने तुरंत, घर से हमने कुछ कहा नहीं, इन सब तो तोड़ रहे थे पेड़ से, और ये अपने घर से ले आई प्लेट में। यही प्यार है, यही प्यार है, यही मेहमान नवाजी है, जिसको देवभूमि इसलिए बोलते हैं। तो ये देवता देवता यही लोग हैं असल में। ये सुरकंडा देवी का मंदिर है, माँ सुरकंडा यहाँ की आराध्य देवी हैं। ये सोंग का उद्गम स्थल, जहाँ से सोंग आ रही है, और यहाँ से शुरू होता है। देखिए कल कल की ध्वनि। आगे जो है वहाँ अभी गर्मियों का मौसम है तो अंडरग्राउंड है पानी, लेकिन यहाँ ये पहाड़ निकलते हुए नज़र आ रहा है मुझको। और यहीं से हम नीचे की यात्रा शुरू करेंगे, सोंग नदी पर पैदल की यात्रा, और देखेंगे सोंग के मिजाज को, जानेंगे उसके आसपास रहने वाले लोगों को, करेंगे उनसे कुछ गपशप बातें, जानेंगे यहाँ के बारे में, नदी के बारे में, खेत के बारे में, गांव वालों के बारे में। मैं सुरेश डबरियाल, पूर्व प्रधान ग्राम सभा मजगांव। ये सॉन्ग ही हुई ना, सॉन्ग है ये, उद्गम ही इसका यही है। चलांगी दार नाम है तो कहे कालावन टेक नाम है, वहाँ है इसका उद्गम, जो मीन स्रोत है। तो अब ये दिन प्रतिदिन ये जलस्तर घट ही रहा है। पहले जिसमें कम से कम 10 इंच पानी हुआ करता था, वो बिल्कुल सूख गए कई स्रोत से। अच्छा, कितने स्रोत सूखे होंगे? मेरे हिसाब से तो इस पूरे गांव में अगर लगाया जाए तो 8-10 स्रोत सूख गए। अच्छा, जो प्राकृतिक थे और पानी होता था वहाँ पे पहले प्रचुर मात्रा में। अच्छा लगा, मिल गया। यहाँ पर ये मंजगांव से आने वाली जो गाड़ है और ये उनियाल गांव से जो आने वाली जो गाड़ है, दोनों मिलती हैं। ये सामने बीज नगर ये जगह का नाम है, और ये बीज नगर में ये मिलकर फिर एक साथ बहती है, सोंग नदी बनती हुई। आप देखिएगा इसको, ये मिलन स्थल। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई जगह पर नए मुद्दे के साथ। देखते रहिएगा घुमक्कड़ चांदा मेरे साथ। हाँ, पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय।